और मध्य प्रदेश में बारिश की भी बात कर लेते हैं। 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। 9 से 12 अगस्त तक स्ट्रांग एक्टिविटी नहीं करनी है। शिवपुर, मुरैना, शिवपुरी में बारिश की संभावना है। अशोकनगर, सागर, रायसेन में भी भारी बारिश की संभावना है। तो अभी 9 से 12 अगस्त तक भारी बारिश होगी, इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है और अभी कोई भी स्ट्रांग एक्टिविटी न करें। रायपुर की भी बात करेंगे, जहां प्रदेश में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। सरगुजा, बिलासपुर संभाग में भारी बारिश होगी। बारिश के आसार काफी तेज नजर आ रही हैं। रायपुर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश होगी और 16 सेंटीमीटर बीजापुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इससे पहले कल पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, तो इन संभावनाओं को देखते हुए बहुत जरूरी है कि बारिश के मौसम में सावधान रहें। बारिश की संभावना जाहिर की गई है मौसम विभाग की तरफ से। हालांकि हर तरफ बारिश का ही सिलसिला है, देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं हमारे साथ और वासु भी हमारे साथ हैं भोपाल से, तनु रायपुर से हमारे साथ है। छत्तीसगढ़ से लेकर भोपाल तक बारिश के क्या आसार हैं, ये जानकारी साझा करेंगे। तो तनु, रायपुर में बारिश को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अधिकांश ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की घोषणा की गई है मौसम विभाग की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए दो दिन के मानसून ब्रेक के बाद अब छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिविटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। बीते दिनों की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में बीते दिनों भी अच्छी बारिश जो है वो दर्ज की गई। इसके अलावा और भी कई इलाके हैं वहाँ भी अच्छी बारिश जो है वो हुई है। उसके बाद मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई इलाकों के लिए जो है अलर्ट जो है वो जारी किया है। आज जो है सरगुजा और बिलासपुर संभाग में अच्छी बारिश होने की चेतावनी जो है मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। वहीं राजधानी रायपुर में सुबह से ही हल्की मध्यम वर्षा जो है वो जारी है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश का जो दौर है वो बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ वाले हालात भी देखने को मिल रहे हैं, नदी नाले उफान पर है। इसके साथ ही मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अगस्त में हर साल अच्छी बारिश का ट्रेंड जो है वो छत्तीसगढ़ में रहा है और अगस्त मंथ में ही छत्तीसगढ़ मॉनसून का जो सीजनल कोटा होता है वो पूरा होने की संभावना होती है और 1 जून से लेकर अभी तक 665 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश छत्तीसगढ़ में जो है वो दर्ज की गई है जो सामान्य से 11 से 12 फीसदी जो है वो अधिक है। इसके अलावा मानसून का सीजनल कोटा जो है वो 1100 मिलीमीटर के आसपास जो है वो होना चाहिए। ऐसे में 665 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश छत्तीसगढ़ में दर्ज की जा चुकी है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि अगस्त मंथ में ही मानसून का जो सीजनल कोटा है वो यहाँ जो है वो पूरा हो सके। लेकिन लगातार हो रही बारिश से ये आफत भी जो है वो बनी हुई है और अगर मानसून का सीजनल कोटा जो है वो पूरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसके बाद अगर और भी अच्छी बारिश होती है तो इससे जो है वो नुकसान भी होगा और खतरे वाले हालात बनने भी जो है वो शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, और इसलिए सावधान रहने की बात की जाती है मौसम विभाग की तरफ से। वासु भी हमारे साथ है। वासु, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ बारिश होने वाली है और क्या बीते दिनों जो बारिश हुई है उससे ज्यादा भयानक होगी? अब बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में बीते दिनों भारी बारिश का दौर देखा गया, लेकिन अगर पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो जो मजबूत सिस्टम थे जो लगातार मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश करा रहे थे, तेज बारिश करा रहे थे, वो अब थोड़े से कमजोर पड़ गए। यानी कि मध्य प्रदेश में बारिश तो होगी लेकिन रफ्तार उतनी ज्यादा नहीं होगी। हल्की बारिश होने का जो अनुमान है वो अधिकतर जिलों में जो है जताया गया है। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के करीब 17 जिले ऐसे हैं जहां पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। बाकी सभी इलाकों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी, हल्की बारिश और कई जगहों पर बिजली चमकने को लेकर भी, बिजली गिरने को लेकर भी जो चेतावनी है वो जारी की गई है। 9 से 12 अगस्त के बीच कोई मजबूत सिस्टम, कोई मजबूत जो कम दबाव का क्षेत्र है वो बनता हुआ फिलहाल मध्य प्रदेश के ऊपर नहीं मौसम विभाग को नजर आ रहा है। इस वजह से ही ये अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश का दौर तो जारी रहेगा लेकिन ये मध्यम गति की बारिश रहेगी, बहुत अत्यधिक बारिश की जैसी जो स्थिति है वो नहीं बनेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कोटे की 65% से अधिक बारिश जो है वो अब तक मध्य प्रदेश में हो चुकी है और
और आने वाले जो अगस्त का महीना है जब तक मॉनसून सीजन जो एक्टिव रहता है तो पूरा जो रेन कवर है यानी कि एवरेज रेनफॉल जो है वो पूरा हो जाएगा। उससे थोड़ा सा ज्यादा रेनफॉल और होने की जो मध्यप्रदेश में स्थिति है वो कहीं ना कहीं व्यक्त की जा रही है, बताई जा रही है। और अब तक मध्यप्रदेश के जो लगभग सारे बड़े बांध हैं, बड़ी वाटर बॉडीज हैं, वो फुल हो चुके हैं। चाहे बरगी बांध की बात करें, तवा डैम की बात करें, लगातार यहां से पानी छोड़ा गया। और नर्मदा में जब पानी छोड़ा जाता है तो फिर जो ओमकारेश्वर डैम है और इंदिरा सागर बांध है वहां पर भी पानी लबालब हो जाता है। तो पहली बार इस सीजन में बीते 24 घंटे में इन दो बड़े बांधों के भी जो गेट हैं वो खोले गए हैं, यानी कि अच्छी स्थिति फिलहाल बारिश की अगर देखें इस सीजन की अब तक मध्यप्रदेश में रही है। आने वाले समय में और भी ज्यादा जो रिकवरी है वो देखने को मिलेगी। और अगर मध्यम गति से बारिश होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है और यही पानी साल भर जो है वो पानी की आपूर्ति करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा, थोड़ी सी मध्यम गति से बारिश होगी और उसके बाद 12 अगस्त के बाद अगर फिर से मजबूत सिस्टम बनते हैं तो झमाझम बारिश का दौर एक बार फिर से देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और बारिश को लेकर ही चेतावनी जाहिर की जा रही है कि थोड़ा सावधान रहिए क्योंकि भले ही मौसम सुहाना होता है लेकिन आफत भी कभी कभी होती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये जानकारी साझा करने के लिए। सूरजपुर में जोरदार बारिश की वजह से पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इसी बीच लोग जान जोखिम में डालकर पुल, पुलिया और रपटा को पार कर रहे हैं। इसी कड़ी में जोरदार उफान के बीच रपटा पार कर रहे एक बाइक सवार की जान बाल बाल बची है। उड़ंगी ब्लॉक के धरसेड़ी गांव का ये वीडियो है जिसमें जलभराव के बीच बाइक सवार जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहा था। इसी दौरान वो तेज धार में बहने लगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने समय रहते बाइक सवार की जान बचा ली है। राजनांदगांव जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी है और पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बकरकट्टा का पंचायत भवन सहित कई गांव की सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर भी, कैसे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, सामान को सर पर लेकर वो अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर है, राहत शिविर तक जा रहे हैं क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो घर में पानी भर रहा है, ऐसे में वो रहेंगे तो रहेंगे कहाँ, घर की छत एकमात्र विकल्प है लेकिन अगर बारिश होती है तो फिर कहाँ जाएंगे। ऐसे में सामान जो भी है उन्हें लेकर ग्रामीण जो हैं इस बाढ़ जैसे इलाके से गुजरने को मजबूर हैं। राहत शिविर भी कहीं कहीं पर बनाए गए हैं, वहाँ तक ये जा रहे हैं। बलौदाबाजार में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और अमीठी घाट पर जलस्तर 3 फीट ऊपर पहुंच चुका है जिसकी वजह से 10 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। गौरतलब है कि रोजमर्रा के कामकाज के लिए इन गांव के लोग रोजाना जिला मुख्यालय पहुंचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अमीठी घाट पर जलस्तर बढ़ने की वजह से इन गाँव के लोगों को 80 किलोमीटर घूमकर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता है। जिले में लगातार बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर है। हम अमेठी घाट में मौजूद है। अमेठी घाट वो घाट है, अगर इस घाट में, इस पुल में, अगर पुलिया में 3 फीट पानी अभी भी चल रहा है, इस पुलिया में पानी चलने की वजह से लगभग दर्जन भर से अधिक गांव का संपर्क टूट जाता है। पहले इसका बहाव देखिए, इसका कटाव देखिए, किस तरह से 3 फीट पानी पुलिया के ऊपर चल रहा है। हम नज़ारा दूर तक दिखाना चाहते हैं कि आखिर जो वाहन उस पार खड़ी हुई है वो इस पार आने के लिए तत्पर है, लेकिन वो वाहन इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि 3 से 4 फीट पानी ऊपर चल रहा है। वो देख सकते हैं वहाँ पर टंकी जो बनाई गई है, जल स्रोत जो बनाया गया है, वो का पानी कहाँ तक वहाँ पर फिट बैठता है। ये नज़ारा इधर हम दिखाना आपको चाहते हैं कि किस तरह से, ये देखिए जो बारिश का पानी, इसकी वजह से किस तरह से ये जो पुल के जो बनाया गया था उसका किनारे किस तरह से जर्जर हो चुका है। पूर्व सरकार में यहाँ पर पुलिये की मांग लोगों द्वारा की गई थी, घोषणा में भी जारी हो गया था, लेकिन अब तक यहाँ पर पुल नहीं बन पाया है। लेकिन कारण इसी तरह समस्या हो रही है लोगों को, जब भी बारिश आती है समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बहाव है और कटाव है। कलेक्टर द्वारा निर्देश करने के बाद यहाँ पर प्रशासन की टीम लगाई गई है कि कोई भी लोग रास्ते को पार ना करें। लिहाजा अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब इसका पुलिया बनेगा या फिर लोगों को पिछली बारिश में भी ये समस्या देखने को मिलेगी। योगेश यादव, न्यूज 18, बलौदा बाजार।
खंडवा में इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर के गेट खोले गए हैं। इंदिरा सागर के एक साथ 12 गेट खोले गए हैं। इनमें से 6 गेट 1 मीटर तक और 6 गेट आधा मीटर तक खोले गए हैं। लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से ये गेट जो है वो खोले गए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गेट खोलने के बाद कई क्यूसेक पानी भी छोड़ा गया है। लगभग 2154 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ओंकारेश्वर बांध के 9 गेट खोले गए हैं। ओंकारेश्वर बांध से 2000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। गेट खोले जाने से बढ़ने वाले जलस्तर को लेकर कई इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया। अचानक बारह ही खुले गए।